जो हमने सेवन चैप्टर किया है, सेवन चैप्टर हमारा था रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस, है ना। सेवन चैप्टर का टाइटल क्या था? रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस। इसके एक्सरसाइज को हम करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट में दिया है पॉइंट आउट द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। माने जो ये वर्ड्स दिए गए उनको हमको पॉइंट आउट करना, इनके इम्पॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पॉइंट आउट करना। जैसे इन्होंने फर्स्ट वन दिया स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स क्या होता है? अ पेयर ऑफ लेंसेज यूज फॉर डिफेक्टिव आइज। माने लेंस का पेयर होता है, एक जोड़ा होता है लेंसेज का, जो कि डिफेक्टिव आइज को, जो जिन आँखों में कुछ डिफेक्ट होता है उनके लिए वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो क्या बोलेंगे हम? पेयर ऑफ लेंसेज, अ पेयर ऑफ लेंसेज यूज फॉर डिफेक्टिव आइज स्पेक्टिकल्स। अब इट्स नेक्स्ट न्यूज़। न्यूज़ के बारे में भी आप बहुत कुछ जानते हैं। माने न्यूज़ क्या होता है? न्यूज़ मीन्स इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिक्स के बारे में, गेम्स के बारे में, हमारी इकोनॉमी के बारे में, कोई क्राइम के बारे में, है ना, कोई इंसिडेंट जो हुआ है उसके बारे में। बॉलीवुड न्यूज़ेज आती हैं, हॉलीवुड न्यूज़ेज आती हैं, तो वो न्यूज़ होता है। मतलब हमें हाईलाइट करना इन वर्ड्स का। अब ट्राउजर्स क्या होते हैं? ट्राउजर्स एवरीबडी नोज दैट कि ट्राउजर्स क्या होते हैं। ट्राउजर मीन्स पैंटालूंस या पैंट जो हम पहनते हैं ना, हमारा लोअर वेस्ट का में जो हम लोग वेयर करते हैं, पैंटालूंस और पैंट्स। नेक्स्ट सीजर, सीजर एवरीबडी नोज दैट कि ये किस में काम आता है? कटिंग के लिए काम आता है। कंसिस्टिंग ऑफ टू ब्लेड्स, कंसिस्टिंग ऑफ टू ब्लेड्स जॉइंड इन द मिडल ऑफ कट थिंग्स। माने मिडिल में वो जॉइंट रहती है और थिंग्स को कट करने के काम में आती है। वी यूज सीजर्स टू कट अवर क्लोथ्स, है ना, हम ये भी लिख सकते हैं। टेलर्स यूज सीजर्स टू कटिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स को कटिंग करने के लिए सीजर का यूज़ करते हैं टेलर्स। तो इस तरह से हमने ये चारों को हमने पॉइंट आउट कर दिया, इनके इंपॉर्टेंस बता दी। नेक्स्ट जो हमने दिया है, हमें दिया गया है हेयर आर सम वर्ड्स फ्रेजेस विच आर जनरली यूज बाय द लॉ, यूज बाय द लॉ लॉयर्स। ठीक है, यूज्ड बाय द लॉयर्स होगा वो, गलत, हाँ यस लॉयर्स है, या सॉरी, यूज्ड बाय द लॉयर्स राइट देयर मीनिंग्स एंड यूज देम इन योर ऑन सेंटेंस। मीन्स कि हमको यहाँ पे उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, वो जो कि कौन यूज़ करता है? जनरली जो सामान्यतः लॉयर्स यूज़ करते हैं, है ना, और राइट देयर मीनिंग्स, हमको उन वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं एंड यूज देम इन योर ऑन सेंटेंस, और उनको वाक्यों में प्रयोग करना है ना। अर्थ शब्द वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग प्लस उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। फर्स्ट वन इज डिस्प्यूट। डिस्प्यूट क्या होता है? विवाद, मतलब डिस्प्यूट मीन्स विवाद, क्वेरल। ये वी सी, फर्स्ट वन इज डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मीन्स क्वेरल, क्वेरल माने कि विवाद, है ना, झगड़ा। सेंटेंस, द टू फ्रेंड्स हैड अ डिस्प्यूट ऑन द प्रॉपर्टी इशू। माने दो फ्रेंड्स के बीच में प्रॉपर्टी इशू, नॉट ओनली द फ्रेंड्स इन फैमिलीज ऑल्सो हैड अ डिस्प्यूट ऑन द प्रॉपर्टीज इशू। प्रॉपर्टीज इशू पे फैमिलीज मेंबर्स में भी हो जाता है ना डिस्प्यूट। और डिस्प्यूट अभी किस में चल रहा है? हमारा चीन और भारत के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, है ना, दो टू कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है। आर्गुमेंट्स माने तर्क वितर्क करना, रीजनिंग देना, है ना, आर्गुमेंटेशन होता है ना कई बार किसी बात को लेके। सेंटेंसेस, राम पुट हिज आर्गुमेंट्स बिफोर द स्क्रीनिंग कमेटी। जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है, जो सिलेक्शन कमेटी होती है, उनके सामने उसने अपने आर्गुमेंट्स रखे। लॉज मीन्स कानून, मीन रूल्स, है ना, नियम कानून जो होते हैं। सेंटेंस, नेचर्स लॉ आर टू बी ओबेड। जो प्रकृति के जो नियम है उनको हमें ओबे करना चाहिए, या एवरी वन शुड फॉलो द लॉज ऑफ कंट्री, कंट्री के जो लॉज हैं उनको हर किसी को फॉलो करना चाहिए। हम कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वन लॉर्डशिप। लॉर्डशिप मीनिंग अ टाइटल, मीन्स लॉर्डशिप क्या है? ये टाइटल है, जैसे प्रिंसिपल एक टाइटल है, डायरेक्टर एक टाइटल है, चेयरपर्सन एक टाइटल है, वाइस चेयरमैन एक टाइटल है। सो लाइक वाइज दैट ये भी लॉर्डशिप भी एक टाइटल है। सेंटेंस, योर लॉर्डशिप शुड शो मर्सी ऑन द कन्विक्ट। जो भी कन्विक्ट हुआ था उस पर उन्होंने दया दिखाई लॉर्डशिप ने। योर लॉर्डशिप शुड शो, दिखाना चाहिए उनको, है ना, मर्सी दिखाना चाहिए उनको, एक प्रकार दया दिखाना चाहिए। अमाउंट ऑफ टू, अमाउंट्स टू मीन्स बिकम इक्वल टू, अमाउंट्स टू मीन्स मतलब कि एक समान होना।
सेंटेंस, हिज टोटल डेब्ट अमाउंट्स टू अ वेरी लार्ज सम ऑफ मनी। माने उसका जो टोटल डेब्ट है, जो टोटल उसका कर्जा जो है, वो उधारी जो है, वो अमाउंट टू किसके बराबर है, अ वेरी लार्ज सम ऑफ मनी, वो बहुत बड़े मनी के जोड़ के बराबर है। ऑब्जर्व्स मीनिंग टू सी टू फाइंड, माने क्या बोलना चाहिए, निरीक्षण करना है ना, ऑब्जर्व करना, टू सी तो देखना या फाइंड आउट करना। सेंटेंस, द रिसर्चर ऑब्जर्व्ड स्ट्रेंज रिजल्ट्स ड्यूरिंग हिज स्टडी। अपनी स्टडी के दौरान जो रिसर्चर्स थे, जो अनुसंधान करता थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, बहुत ही विचित्र से रिजल्ट्स प्राप्त हुए, उन्हें बहुत ही अजीब से रिजल्ट्स प्राप्त हुए। केस में इसका मीनिंग है केस का, लॉ सूट है ना, मतलब कोई केस फाइल करते हैं ना तो उसको लॉ सूट कहते हैं, लॉ सूट कहते हैं। ही फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हिज फ्रेंड, माने अपने फ्रेंड के अगेंस्ट जो है इसने एक केस फाइल कर दी, या हम ये कह सकते हैं कि हम जो है जैसे रिया चक्रवर्ती का जो इंसिडेंट है उसके अगेंस्ट एक केस फाइल की गई ना सुशांत के फादर ने की, तो ये मतलब केस फाइल करना मींस कंडम्ड, मींस कि उस चीज़ को कंडम्ड मींस मीनिंग टू पनिश, कंडम्ड का एक मीनिंग और होता है उस मींस कि उस चीज़ को ख़त्म करना, उस चीज़ को तोड़ देना, यहाँ पे टू पनिश। सेंटेंस, द मर्डर वाज कंडम्ड टू डेथ, जो मर्डर था वो कंडम्ड टू डेथ, मतलब इस तरह का था कि वो डेथ तक पहुँचाने वाला था, है ना, इतना कंडम्ड था कि वो डेथ तक पहुँचा सकता था। शिफ्टिंग हिज साइड, अपनी तरफ को चेंज करना, चेंज द ओपिनियन पार्टी। लीडर्स आर वेरी फेमस फॉर शिफ्टिंग देयर साइड फ्रिक्वेंटली। यस, शिफ्टिंग हिज साइड माने अपने मत, यहाँ पे इससे मतलब निकल रहा है कि आप पहले किसी और तरफ थे फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे, अपनी साइड अपने शिफ्ट कर लिया, अपना मत अपना शिफ्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है अपनी साइड शिफ्ट कर ली है ना, पहले उनका मत था कांग्रेस की तरफ, बट नाउडेज ही इन्वॉल्व इन लाइक बीजेपी पार्टी है ना, उनके बीजेपी के मेंबर बन गए, तो उन्होंने अपनी पार्टी ओपिनियन चेंज कर ली, अपनी पार्टी चेंज कर ली। सो लीडर्स जो हैं, जो नेता जो होते हैं, आर वेरी फेमस, वो इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं कि वो अपनी साइड्स को फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। प्लीड रिक्वेस्ट है ना, प्लीड मीन्स प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। सेंटेंस, पोर्टिया प्लीडेड द केस इन फेवर ऑफ एंटोनियो है ना, पोर्टिया ने, यहाँ पे पोर्शिया पढ़ा जाएगा वैसे इसको ना, पोर्टिया नहीं पढ़ेंगे, पोर्शिया साइलेंट रहता है इसमें। प्लीडेड द केस, केस को इसने प्लीड किया, केस के लिए रिक्वेस्ट किया, इन किसके फेवर में, एंटोनियो के फेवर में। डिक्रीड मीनिंग है कमांड ऑफ लॉ है ना, जो लॉ का आदेश होता है उसको डिक्रीड बोलते हैं। सेंटेंस, कोर्ट्स डिक्रीड फेल अपॉन हिम एंड ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ, माने कोर्ट ने जो है वो डिक्रीड किया, जो कमांड दिया, लॉ कमांड दिया, उन्होंने ऑर्डर दिया फेल अपॉन हिम उसके ऊपर कि उसको जो है वो सेंटेंस्ड टू डेथ, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कारागार, जो कारावास की जो सज़ा होती है टिल टू डेथ, डेथ तक उसको कारावास की सज़ा देना, माने आजीवन कारावास, यस इसका एप्रोप्रिएट वर्ड होता है आजीवन कारावास। सेंटेंस टू जेल मतलब डेथ मीन्स कि उसको आजीवन का सज़ा दी जाए, मतलब मृत्यु की सज़ा दी गई उसे। तो इस तरह से जो है ये हमारा ए सेक्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद बी सेक्शन हम करेंगे नेक्स्ट टुमारो। स्टूडेंट्स, हमने 7th चैप्टर का रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस का एक्सरसाइज की थी। एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट वन लिया था वोकैबुलरी का, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन हमने कंप्लीट किया था। नाउ द थर्ड वन इज से द फॉलोइंग एंड पॉइंट आउट द डिफरेंस, इनको हमें बोलना है और उनका डिफरेंस उसमें क्या है वो हमें पॉइंट आउट करना है। सो ये हैं क्या आखिर, इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं है, बट इसको हम बोलते हैं होमोफोन्स, सेम जिसका प्रोनाउंसिएशन हो बट मीनिंग जो है वो डिफरेंट आए, सो वो होमोफोन्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ कॉन्टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट। सो फर्स्ट का मीनिंग क्या है और इस वाले कॉन्टेस्ट का मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं। यस, देखिए कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट
अनेबल टू एग्जामिन, मीन्स कि जिसको हम जो है टेस्ट नहीं कर पाए, कैन नॉट टेस्ट, जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, अनेबल टू एग्जामिन, अनेबल टू टेस्ट, अनेबल टू चेक, माने जिसको हम नहीं जांच सकते, वो इसका मीनिंग इस ये है। कॉन्टेस्ट मीन्स स्ट्रगल, कॉम्पिटिशन, स्ट्रगल के अलावा यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी आ सकता है, ठीक है। सो ये कॉन्टेस्ट क्या है, जब हम किसी चीज़ की प्रतियोगिता करते हैं, है ना, कॉन्टेस्ट आयोजित करते हैं, वो आता है। इसको स्ट्रगल भी कहते हैं, इसको कॉम्पिटिशन भी, यहाँ पे कोमा करके आप कॉम्पिटिशन भी यहाँ पे लिख सकते हो। सी हो गया कॉम्पिटिशन। सेकंड नोज और नोज, हमको पता है ये नोज मीन्स हमारा बॉडी पार्ट, नाक, नाक के लिए है ना, हमारे फेस का पार्ट है नोज, और ये नोज मीन्स जिसे हम जानते हैं। चलिए इसको मैं एक बार और देख लेते हैं। ये जो नोज है, अ लिम्ब ऑफ द फेस विथ स्मेलिंग पावर, मीन्स कि जिससे में स्मेलिंग की पावर है, जिसमें सूंघने की क्षमता होती है ना, वो लिम्ब है फेस का, वो ऑर्गेन है फेस का, वो पार्ट है फेस का। नोज प्रोसेस द नॉलेज, मीन्स कि जैसे हम कहते हैं ना, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम, आई मैं और वह उसे जानता, ही नोज हिम। सो इस तरह से ये जो नोज का मतलब कि हमको वो प्रोसेस जिसके बारे में हमें नॉलेज प्राप्त हो, मीन्स कि नोज मतलब जिसे हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइसक्रीम, ठीक, आइसक्रीम जो है, आइसक्रीम, येल, येल मीन्स इसको कहते हैं चिल्लाना, चीखना, टू अलाउड क्राई, है ना, इसको हम लिख सकते हैं टू अलाउड क्राई, तेज़ आवाज़ में चिल्लाना, चीखना, येल, या येल लिख दीजिए या आप ये लिख दीजिए, है ना। सो आई स्क्रीम, ठीक। अब है आइसक्रीम, मीन्स फ्रोजन आइस फॉर ईटिंग, ये तो आइसक्रीम हर कोई जानता है, जो जमी हुई आइसक्रीम होती जो हम खाते हैं। अ गेन माने सम प्रॉफिट, गेन का मतलब क्या, जो हमें कुछ प्राप्त हो, ए मतलब कुछ एक चीज़ जो हमें प्रॉफिट हो गई, सो सम प्रॉफिट इसमें आ जाएगा। अगेन मीन्स दोबारा, वंस अगेन, वंस मोर, है ना, कहते हैं ना कि दोबारा से हो जाना, अगेन मीन्स दोबारा, मीन्स वंस मोर। अब है नेक्स्ट लॉयर, सो लॉयर जो है अ पर्सन हु प्रैक्टिस लॉ, जो लॉ की प्रैक्टिस करता है, वकील, है ना, सो उन्हें हम कहें अ पर्सन हु प्रैक्टिस, जो लॉ का जॉब करता है, उन्हें हम कहते हैं लॉयर। और लायर वंस हु टेल्स लाइक, जो झूठ बोलता है उसको हम कहते हैं लायर। लॉ अ रूल एस्टेब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, है ना, जो रूल्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं अथॉरिटी के द्वारा, हम चाहे हम रूल स्थापित कर दें, नहीं, कुछ ना कुछ अथोराइजेशन होना चाहिए। सपोज इट कि हमारे स्कूल के अपने लॉज होते हैं, है ना, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अपने लॉज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अपने लॉज हैं, तो इस तरह से अ रूल एस्टेब्लिश्ड बाय अथॉरिटी। लॉ बिलो द यूजल, मीन्स कहते हैं ना कि उसका ब्लड शुगर लो हो गया है, या ये लो वॉइस में बोलिए, धीमी आवाज़ में बोलिए, कम आवाज़ में बोलिए, लो मीन्स की जो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी होती है, पर्टिकुलर डेंस जो होता है, उससे थोड़ा कम। अ माउंट, माउंट मीन्स अ हॉर्स, अ माउंट मीन्स हॉर्स, अमाउंट मीन्स सम ऑफ मनी, कहते हैं कितना अमाउंट दिया आपने इस चीज़ को ख़रीदने में, या कितना अमाउंट आया बिजली के बिल का, सो यहाँ पे ये सम ऑफ मनी, और ये ए माउंट मीन्स अ हॉर्स, कई बार माउंट का मतलब होता है हमको उसके ऊपर चढ़ना, घोड़े के ऊपर चढ़ना। मूवमेंट अ शॉर्ट पीरियड, बोलते जस्ट अ मोमेंट मीन्स एक पल, थोड़ी देर के लिए, सो शॉर्ट पीरियड जो छोटा समय जो होता है, पल जो होते हैं उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। और मूवमेंट मीन्स चेंजिंग पोजिशन, हमारे कई बार मूवमेंट चले, कई बार आंदोलन चले, है ना, जो पोजिशन है उसमें चेंज कर देना मूवमेंट होता है। जब कोई किसी चीज़ के लिए हम लोग विद्रोह करते हैं, या कई बार कोई चीज़ के लिए हम आंदोलन करते हैं, तो उसमें मूवमेंट आता है। कई बार जरूरी नहीं हम नेगेटिव वे में ही करें, पॉजिटिव वे में भी हम मूवमेंट करते हैं। सो ये चेंजिंग पोजिशन मूवमेंट के लिए आता है। तो ये हमारा जो है सेक्शन थर्ड जो है कंप्लीट हो गया है, इसको आप नोटबुक में लिख लीजिए, है ना। होमोफोन्स हैं ये, सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, बट इनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं।